चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस समय की ताजा खबर बता दें आपको, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ देर बाद बैठक बुलाई है, सेना के तीनों अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही कल रक्षा मंत्री जाएंगी जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए। इस समय काफी तनाव एलओसी पर, हालात किस तरह के बने हुए हैं, कितनी मुस्तैदी कितनी चौकसी, इसका जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री कल जम्मू कश्मीर जाएंगी और अब से कुछ देर बाद तीनों सेना अध्यक्षों के साथ वो बैठक करने वाली है। भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे कुछ देर में। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या अपडेट आपके पास, कुछ देर में बैठक होने वाली है, समय क्या रहेगा और कहां पर ये बैठक होने वाली है? देखिए, तीनों सेना चीफ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री बैठक करेंगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्रालय में होने जा रही है। तो ऐसे वक्त जब एलओसी पर तनाव बना हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना रवैया दिखाने की कोशिश की है, वही पुराना यानी आतंकवाद को नकारते हुए वो एलओसी पर तनाव बना रहा है और इस बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। तो ये जरूर है कि इस बीच ये बैठक हो रही है, शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक भी होगी और उससे पहले फीडबैक लिया जाना है जो सीमा पर ताजा हालात है। लिहाजा तीनों सर्विस चीफ यहाँ पर चर्चा करेंगे रक्षा मंत्री के साथ, तो भी रक्षा मंत्री को वहाँ पर ब्रीफ करना है उन तमाम जानकारी को जो की ये सर्विस चीफ देंगे और वो भी मौजूद रहेंगे इस बैठक। चलिए शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर बाद बैठक करेंगी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी और जाहिर सी बात है चर्चा होगी इस समय जो हालात एलओसी पर हैं उसको लेकर।